डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम आईटी मेंस का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 9 जनवरी 2020 को हुआ था। ये शिफ्ट 2 का पेपर है। 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर्स को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके अलावा नीट के 2019 के और 2018 के पेपर को सॉल्व करके उसके वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। साथ में आईटी मेंस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और नीट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। इनमें वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स में आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, उनमें कैसे अप्रोच लगाना है ये आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की गई है। ये वीडियो आप जरूर देखिए, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे क्योंकि इनमें आपको समझ में आएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनमें किस तरह से अप्रोच लगानी है। इसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स के इंडेक्स के और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड किए हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिशन में एनसीईआरटी का वेटेज बढ़ रहा है और ये इंडेक्स और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि केमिस्ट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूँ, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्स से हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट से रिलेटेड हो, चाहे वो आईआईएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो पीजीटी से रिलेटेड हो, ठीक है, और चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, ठीक है। तो मैक्सिमम कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस चैनल से मैं आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे प्रोवाइड करा दूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है और कोशिश ये है कि मिनिमम टाइम में आपकी मैक्सिमम स्टडी जो है मैं करा दूँ। अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो आईटी मेंस का 9 जनवरी का पेपर है और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शिफ्ट 2 का ये पेपर। पहले कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कह रहा है एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो द एंट्रोपी चेंज इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर आप बात समझेंगे, एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज जो होता है वो दोनों ही फंक्शन होते हैं किसके, टेम्परेचर के। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी के आंसर में अगर आप देखेंगे तो एक को फंक्शन माना है और दूसरे को फंक्शन नहीं माना है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कंपाउंड ए जो है वो B3N3CN3H3 है। एक कंपाउंड ए है जो कि B3N3CN3 और H3 है, रिएक्ट विद LiBH4, ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी है टू फॉर्म ए इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है बी बना रहा है। कह रहा है ए रिएक्ट विद सी टू फॉर्म ए B3N3H3Me3। ये बना रहा है B3N3H3Me3, ठीक है ना। बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है कि बी और सी जो होंगे वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो एक बात आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए, एक तो बोरॉन नाइट्राइड दिया है, दूसरा बोराजीन दिया है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है इसको हम नाम देते हैं बोराजीन। इसके साथ में एक नाम इसका और भी होता है जिसको कहते हैं बोराजोल, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो क्या है, बोराजोल भी है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है इसको हम बोराजीन भी कहते हैं और बोराजोल भी कहते हैं। मतलब माइंड में सेट हो गया कि पहले के दो ऑप्शन जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन से होगा, इसमें देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ठीक, अब तुमसे ये कह रहा है कि ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है सी के साथ में और B3N3H3Me3 बना रहा है। देन आपको ये बताना है कि क्या कंपाउंड होगा बी एंड सी। तो बी तो फिक्स हो गया कि आपका बोराजीन होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। रिएक्शन भी मैंने लिखी B3N3H3Cl3 LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा दो, या LiBH4 के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो। LiBH4 के साथ आपने यहाँ पे रिएक्शन करा दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका B3N3H6 और प्लस LiCl और प्लस BCl3 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लेंगे तो ये AlCl3 बन जाएगा, ठीक है ना, ये कंपाउंड बन गया आपका बी। अच्छा, अब आपने करके इसकी रिएक्शन कराई मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। देखिए आप इसकी रिएक्शन जो है वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी गिरनार डिगेंड के साथ कराते हैं। और गिरनार डिगेंड क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर ये होता है माइनस में, मिथाइल जो होता है यानी कि कार्बन कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, और ये मैग्नीशियम जो होता है इस पर चार्ज क्या आता है, प्लस आता है। क्योंकि आपको पता है कि मैग्नीशियम पे जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, प्लस टू चार्ज होता है, और प्लस टू चार्ज में से एक चार्ज माइनस जो है वो बी आर माइनस इसको कर देता है और एक जो है माइनस ये वाला, तो टोटल ये इस तरह से बन जाता है। तो अगर हम इधर माइनस लगा देंगे तो फिर हमें यहाँ प्लस टू लगाना पड़ेगा,
बट एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड जो होता है वो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में माइनस चार्ज यहाँ पर और ये कैसा आता है प्लस चार्ज आता है। और वैसे भी आपको एक बात समझ में आती है कि मैग्नीशियम कैसा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये कंपाउंड कैसा बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो चलो तो अब क्या होगा कि ये जो होगा मैग्नीशियम जो मिथाइल जो होगा वो इधर साइड जाएगा और ये रिप्लेस करेगा किसको, ये रिप्लेस करेगा यहाँ पे क्लोरीन को। अब इसने क्या किया क्लोरीन को रिप्लेस किया तो यहाँ से MgBrCl बन जाएगा। अब कितने क्लोरीन रिप्लेस होंगे तो भाई तीन क्लोरीन है तो तीन क्लोरीन रिप्लेस होंगे तो थ्री मोल इसके लेने पड़ेंगे और जब इसके हम थ्री मोल लेंगे तो ये बन जाएगा B3N3H3H3Me3 और साथ बन जाएगा 3MgBrCl, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है सी और जो ये जो है वो बोराजीन या फिर क्या है बोरा छोड़ गया, ठीक। तो आंसर इसमें फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि इन अ बॉक्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड CO अलोंग विद अ चारकोल इज प्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद टाइम विल बी फॉलोस। देखिए आपसे कह रहा है कि आपको क्या किया गया है, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कराई गई है और यहाँ पर क्या हो रहा है किसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है, चारकोल के ऊपर हो रहा है और किसका हो रहा है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और CO का। तो भाई सीधी सी बात ये है कि अभी मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने गैस भर दी हाइड्रोजन कोई भी गैस भर ली, यहाँ पे तीन गैस भरी हुई है, ठीक है ना। तो वो गैस क्या करेंगे इस कंटेनर में प्रेशर लगाएंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए चारकोल को पास कर दें या आप कोई निकल कोई कैटलिस्ट को पास करने से कोई निकल को आप पास कर दें तो निकल क्या करेगा हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा, बात समझे ना। यहाँ पे चारकोल को पास किया गया तो चारकोल क्या करेगा गैस को एडजॉर्ब करना शुरू कर देगा तो गैस उसकी सरफेस पे लगनी शुरू हो जाएंगे, एडजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। अब गैस क्या हो गई कम हो गई, कम हो गई तो प्रेशर क्या होगा कम होगा किसके साथ में, टाइम के साथ में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा चारकोल एब्जॉर्ब करता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा कम होता जाएगा, तो यानी कि प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज विद टाइम होगा, यानी आंसर जो आएगा इसमें अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि जब प्रेशर आपके पास इतना है तो टाइम इतना है और जब प्रेशर ये है तो टाइम ये है, यानी टाइम बढ़ रहा है और प्रेशर घटता चला जा रहा है और यही होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन की वजह से गैसेस कम होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गिवन कॉम्प्लेक्स, आपको क्या किया गया कॉम्प्लेक्स दिया गया और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो CO(NH3)4CL2 है। अच्छा एक बार जरा सोचो कि CO(NH3)4CL2 में कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगी, तो आप अगर देखें तो अमोनिया कितने हैं चार हैं और क्लोरीन कितने हैं दो हैं, टोटल कितना हो गया छः, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगी वो कितनी आएगी छः आएगी। अब जरा सोचो कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, तो तुमको समझ में आ रहा है कि अमोनिया जो होगा वो कैसा है न्यूट्रल कंपाउंड है और न्यूट्रल है तो उसका चार्ज क्या होगा जीरो, बट क्लोरीन जो होता है उसमें तो -1 होता है और इस -1 होने की वजह से इसको वाल्ट पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो कैसा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। कह रहा है कि इन इफ ClCOCl बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज, तो देखिए एक बात आप समझेंगे कि दो लिगेंड के बीच में अगर 90 दो सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल बोल रहा है और आपके पास ये है कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 90 डिग्री बॉन्ड अगर बना रहे हो या फिर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हो बिटवीन सेम लिगेंड देन दे आर कॉल्ड सिस आइसोमर, तो ये बन जाएगा क्या सिस आइसोमर, यानी कि आंसर मेरा फर्स्ट जो होगा वो कैसा होगा करेक्ट हो जाएगा। ट्रांस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैंने देखिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अमोनिया है अमोनिया 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 और ये दोनों क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, कैसे ये मेरे पास स्क्वायर है और ये बाइपिरामिड है, एक क्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिया एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दिया, ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के क्या हो गए 90 डिग्री पर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर है, कंडीशन कैसी होगी सिस कंडीशन होगी, ठीक है। अच्छा क्या ये ट्रांस होंगे नहीं होंगे, अच्छा मेरी डायगोनल एक टर्म यूज किया गया मेरी डायगोनल, बट आप जरा इसको देखो अगर आप इसके इस कंपाउंड को देखो तो ये कंपाउंड कुछ आपको समझ में आएगा कि ये MA4BC2 टाइप का है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये MA4B2 टाइप का कंपाउंड है और मेरी डायगोनल की जब आप बात करते हो तो उस समय कॉम्प्लेक्स MA3B3 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मेरी डायगोनल ऑफ HCl की बात करते हो तो उस समय कंपाउंड कैसा होना चाहिए MA3B3 होना चाहिए, तो भाई ये तो क्या है MA4B2 टाइप का है MA3B3 यानी मेरी डायगोनल तो यहाँ पर होगा नहीं और बोथ सिस एंड ट्रांस, तो सिस एंड ट्रांस 90 डिग्री पे अगर हम इसको देखेंगे तो सिस और ट्रांस नहीं हो सकता,
वैसे तो ये कंपाउंड सिस और ट्रांस बनाएगा, अगर हम इस क्लोरीन को 180 डिग्री पे लगा दें तो ये ट्रांस बना देगा, लेकिन कंडीशन इसने दे दिया कि 90 डिग्री पे देखना है, और 90 डिग्री पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ सिस ही बनेगा, तो इसका आंसर जो होगा वो सिस ही होगा।